जिक्र जीएसटी का भी, आम आदमी के अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। जीएसटी दरें लागू होने के बाद कुछ सामान सस्ते हुए हैं और कुछ सामान महंगे हो जाएंगे। जीएसटी की दरें 1 अप्रैल 2017 से लागू होंगी, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से ये लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी से जीना आसान होगा लेकिन शौक महंगा होगा। आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले सामान पर सबसे कम टैक्स लगाया गया है 5% का। खाद्यान्न समेत सीपीआई बिस्किट की 50% चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बास्केट की चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और दूसरे सामानों पर 12% और 18% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं और तंबाकू उत्पाद है उन पर 28% टैक्स के अलावा आपको सेस भी देना होगा। तो ख्याल रखा गया है कि आम आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उन पर टैक्स कम से कम लगाया जाए और जो चीजें शौक की कैटेगरी में आती हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। और आइए अब तफसील से आपको समझाएं कि दरअसल ये जीएसटी है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, ये तफसील से आपको बताते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगता है। दरअसल अभी तक जो आप वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स देते आए हैं, अब उसकी जगह सिर्फ एक टैक्स होगा और जहां जीएसटी नहीं है वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स है, यानी कि सर्विसेज पर अलग और गुड्स पर अलग। और पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए सिर्फ आपको एक टैक्स देना होगा। ये जो कैटेगरीज है बाकी और टैक्सेस की, ये खत्म कर दी जाएगी। जीएसटी से पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आपको नजर आएगी। कोई भी सामान आप यहाँ से खरीदें, गुजरात में खरीदें, आपको एक ही कीमत चुकानी होगी। इस तरीके के प्रावधान जीएसटी के अंतर्गत किए गए। तो चलिए अब बताएं आपको कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हो जाएगा। जीएसटी से जो सस्ती होने वाली चीजें हैं उनमें अनाज शामिल है, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वो तमाम चीजें जो सस्ती होने जा रही है जीएसटी लागू होने के बाद। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद टेलीविजन आपका सस्ता होगा। इसके अलावा एयर कंडीशन अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो एसी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और सामान है जो आप बुनियादी जरूरतों में ही शुमार किए जा सकते हैं, मसलन फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल, चाय, खाद्य तेल, मसाला, चाय, कॉफी, ये तमाम वो चीजें होंगी जो 1 अप्रैल 2017 के बाद सस्ती हो जाएंगी। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जैसे ही होगी ठीक वैसे ही जीएसटी लागू होगा और ठीक वैसे ही ये तमाम चीजें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये सस्ती हो जाएंगी। और ये तमाम बेसिक नीड्स भी हैं, दरअसल बुनियादी जरूरतों में ही इन्हें शुमार किया जा सकता है, वो भले ही खाद्य तेल हो, चाय हो, कॉफी हो और अनाज हो, ये सब आपको सस्ता मिलेगा 1 अप्रैल 2017 के बाद। और आइए अब आपको बताएं कि जीएसटी से महंगा क्या क्या होने जा रहा है। लग्जरी कार, क्योंकि आम आदमी की बुनियादी जरूरत में शामिल नहीं है, ये महंगे लोगों के महंगे शौक है, लग्जरी कारें महंगी हो जाएंगी। एलईडी अगर आप खरीदना चाहते हैं, टेलीविजन, जो नॉर्मल टेलीविजन है, सामान्य टेलीविजन है, वो सस्ता होगा लेकिन एलईडी महंगी हो जाएंगी। पान मसाला, जो घरेलू मसाले हैं सब्जी में जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, वो तो सस्ते होंगे लेकिन पान मसाला आप खाना चाहते हैं क्योंकि शौक है, गुटखा, इसको महंगा कर दिया जाएगा। सिगरेट, तंबाकू, ये तमाम जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं सब महंगे होने जा रहे हैं। इसके अलावा तंबाकू महंगा होगा, कोल्ड ड्रिंक महंगी हो जाएगी और जो बोतल बंद पानी है वो भी महंगा होगा, बिस्लेरी जिसको आमतौर पर कहा जाता है। और इसके अलावा नहाने वाला साबुन भी महंगा हो जाएगा। ये तमाम चीजें जीएसटी के लागू होने के बाद महंगी होंगी। मिनरल वाटर भी महंगा हो जाएगा आपका और नहाने वाला साबुन भी महंगा होगा।